आफ्टर 18 जुलाई आपको क्लियरली आइडिया लग गया होगा कि रीनीट के कितने चांसेस हैं, कितने चांसेस नहीं हैं। फिलहाल के लिए अभी डिसीजन पेंडिंग है, मंडे को पता चलेगा रीनीट होगा कि नहीं होगा। बट अगर रीनीट होगा भी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फेयर होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर होगा। वो कैसे? वो इसलिए कि बहुत सारे लोग मेहनत करके जो 640, 650, 660, 670 स्कोर ला रहे हैं उनके साथ, और जो नहीं ला रहे हैं उनके साथ तो जो स्कैम हुआ है वो हुआ ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फेयर होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर होगा। आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि जिसके 650 प्लस आ रहे हैं तो कितनी मेहनत लगती है उतना स्कोर करने में। और ऐसा तो है नहीं कि सबको ग्रेस मार्किंग मिली है, और जिनका स्कोर कम आ रहा है ऑल्दो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था बट वो रिजल्ट के थ्रू, तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के साथ फेयर होगा और बहुत सारे लोगों के साथ अनफेयर होगा। और ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस टॉपिक पे अगर मैं डिटेल में बात करने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट हाँ मैंने थोड़ा सा हिंट देके बताया कि आप समझ सकते हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो अभी जो डिसीजन पेंडिंग है उसके हिसाब से मंडे को क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता, ना हमें पता, ना आपको पता, ना किसी टीचर्स को पता, मतलब किसी को भी नहीं पता। और अगर ऐसे बात किया जाए कि सबके साथ फेयर हो तो ये जो नीट का एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट आया है वो फिर से रिपब्लिश किया जाए बहुत अच्छे से देख सोच समझ के, तो आई थिंक ये सबके साथ फेयर होगा। या आई नो हम लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता है, कोर्ट में जो भी होगा वो जजेस का ओपिनियन मैटर करेगा, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मैटर करेगा, जो भी होगा हम लोगों का मैटर नहीं करेगा। देन ऑल्सो आप क्या सोचते हो और आपका ओपिनियन क्या है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ऐसा हुआ, रिपब्लिश हुआ रिजल्ट, री इवेलुएट हुआ, तो आई थिंक 610, 620, 630 प्लस वाले भी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। फिलहाल तो ऐसा कुछ होगा नहीं जैसा कि मुझे और आपको पता है, ऑल्दो मेरा भी स्कोर 607 है, अगर री इवेलुएट हुआ रिपब्लिश हुआ रिजल्ट तो शायद मुझे भी कॉलेज कोई ना कोई मिल ही जाएगा, बट ऐसा तो होना नहीं है। सो इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो अगर आप नीट 2025 एस्पिरेंट हो, और अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके तो नीट 2025 के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर नीट 2025 प्रिपरेशन। सो पीडब्ल्यू लेकर आया है आपके लिए गुरु पूर्णिमा ऑफर पर ढेर सारे डिस्काउंट्स ऑन ऑल नीट यूजी बैचेस। एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी आज से और अभी से, तो सबसे जरूरी है एक अच्छा स्केड्यूल और अपने टारगेट पे पूरा फोकस। अगर आप ड्रॉपर हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं यकीन नीट 3.0, और जिसमें आपको फ्री ऑफर किया जा रहा है यकीन नीट 1.0 प्लस 2.0 2025। क्लास 11th में है तो अर्जुना नीट 3.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑफर किया जा रहा है अर्जुना नीट 1.0 प्लस 2.0 2025। अगर आप क्लास 12th में हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य नीट 3.0 2025, जिसमें आपको ऑफर किया जा रहा है लक्ष्य नीट 1.0 प्लस 2.0, उसके साथ ही अर्जुना नीट 1.0 प्लस 2.0 2024। और अगर आप क्लास 11th में हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अर्जुना नीट हिंदी 2025, जिसमें आपको ऑफर किया जा रहा है अर्जुना नीट हिंदी ब्रिज कोर्स 2025। और अगर आप क्लास 12th में हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य नीट हिंदी 2025, जिसमें आपको ऑफर किया जा रहा है यकीन हिंदी 2024 लक्ष्य नीट हिंदी ब्रिज कोर्स। और अगर आप ड्रॉपर हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं यकीन नीट हिंदी 2025, जिसमें आपको ऑफर किया जा रहा है यकीन नीट हिंदी 1.0 प्लस 2.0 2024। सभी बैचेस में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाया जाएगा उनके वीडियो सॉल्यूशन के साथ इन क्विज फॉर्मेट में। हर एक क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि पीडब्ल्यू ऐप में आपको अपलोडेड मिल जाएगा। प्लानर के अकॉर्डिंग स्केड्यूल टेस्ट कराए जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बैच के साथ आपको मॉड्यूल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आप पीडब्ल्यू के कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पीडब्ल्यू लिंक पे क्लिक करें, और मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलें जो कि है ROL150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। ये कोड सिर्फ नीट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नीट के साथ साथ आपको JEE एंड बोर्ड्स बैचेस पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो एंड डिस्काउंट्स आप पा सकते हो। एंड साथ के साथ बुक्स के लिए भी पीडब्ल्यू स्टोर पर काफी डिस्काउंट चल रहा है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऑल द बेस्ट। कर दो, रिनीट होगा नहीं होगा, अगर होगा तो भी पढ़ते रहोगे तो अच्छा ही होगा, नहीं होगा तो भी अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी अच्छा होगा। और अगर आपको ड्रॉप लेना है या फिर नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन करना है तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ, क्योंकि आप सबको पता है नीट में कितना कट ऑफ जा रहा है, कितना मेहनत करने की जरूरत है, ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा, और आप सभी को पता है कि आफ्टर नीट रिजल्ट और ये
ये जो लोचा चल रहा है स्कैम वगैरह का, उसमें कितना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो चुका है। और ऑलमोस्ट अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स बचे हुए हैं नीट 2025 के लिए। और जब आप अपना सिलेबस कवर करना स्टार्ट करेंगे और पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि यार कितना ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया और कितना कम टाइम है हमारे पास चीज़ें कवर करने के लिए। तो अगर आपके स्कोर 550, 500 प्लस, 600 प्लस आ रहे हैं, तो अगर रीनीट हुआ तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि वैसे तो होगा नहीं, अगर हुआ भी तो सिर्फ और सिर्फ एक आध महीने का ही आपको टाइम मिलेगा। और उसमें अगर आप 100-120 प्लस भी स्कोर कर पाते हैं तो उतना इनफ नहीं होगा एक मेडिकल कॉलेज के लिए। तो बेटर यही होगा कि पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अगर रीनीट होगा भी तो भी आपकी पढ़ाई काम आएगी, और नहीं भी होगा तो वो नीट 2025 के लिए काम आएगी। और जिनका स्कोर 620, 630, 650 प्लस है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इस स्कोर पे जब उन्होंने रिजल्ट देखा था तो वो सोच चुके थे कि कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा इस साल में, कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में होगा या फिर होंगी, बट स्टिल क्या हो रहा है आप सबको पता है। और जिन्होंने सोच ही रखा है कि ड्रॉप लेना है नीट 2025 के लिए, उनको अपने स्कोर से पता चल गया है, तो फिर उनकी तो कोई बात ही नहीं है, बस अपनी पढ़ाई में लग जाओ, जी जान लगा दो। क्योंकि आपको पता है अगर आप 700 प्लस स्कोर करेंगे तभी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। और अच्छा अगर एकदम ही अच्छा चाहिए तो भाई 720 आउट ऑफ 720 ही चाहिए, बट स्टिल 700 पे आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपको 9 मंथ्स में करना है। और जिसके 600 प्लस 650 प्लस स्कोर आ रहे हैं ना, उनको पता है कि कितना ज़्यादा मेहनत लगती है इस स्कोर को अचीव करने में। और अगर आपको थोड़ा भी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है जो चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं, तो एटलीस्ट रिविजन ही करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, ताकि बाद में आपको ये बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो कि हाँ वो 2-3 महीने जो थे ना वो मैंने ऐसे ही उड़ा दिए, उसको ऐसे ही वेस्ट कर दिया, और पूरे इस रिग्रेट में ही आपका पूरा ईयर निकल जाएगा। एंड यू नो व्हाट, रिग्रेट सबसे बुरी बीमारी है, तो उसके चक्कर में ना तो पास्ट सही होता है, ना फ्यूचर सही होता है, ना प्रेजेंट सही होता है। और जितने लोगों का 550 600 प्लस स्कोर था, उनको तो ऑलरेडी पता था कि कोई ना कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, बट स्टिल उन्होंने सोचा ही होगा कि अगर MBBS नहीं तो कोई ना कोई कोर्स तो मिल जाएगा, लाइक BDS, BHMS, BAMS, बट अब ये भी पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से नीट का रिजल्ट आया है, रैंक आया है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बाकी जो भी डिसीजन है वो आएगा, और आई होप कि अच्छा ही डिसीजन कोई होगा। बाकी ये रहा मेरी तरफ से आप सबके लिए मेरा बेस्ट सजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।